ताभ्यः ग्रन्थिजमानुतः पूजयतः ओमः गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा ओमः श्रीकुलरावजी कुम्भात्मे शाबाश हरि ओम भूर्भुवस्वः गणरावजी ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, मेरे देवर की शादी ये पार्ट टू है और अभी मैं आपको दिखाऊंगी जैसे इनके साथ फेरे होंगे, जयमाला होगी, ये सारा मैंने एक ही ब्लॉग में कर दिया है पूरा। और अभी कन्यादान हो रहा है यहाँ पर जो आप देख रहे हो। बहुत सारी रस्में होती हैं, जैसे मैंने पहले वाले ब्लॉग में भी बताया, आपको पता होगा कि ये शादी टेम्पल में हो रही है और एक ही दिन की शादी है तो यहाँ पर ही सारी रस्में हो रही हैं। हालांकि जो दो दिन की रस्में थी वो नहीं हुई थी, जैसे मामा का स्वागत होता है, तेल वगैरह होता है, हल्दी वगैरह होती है, मतलब बहुत सारी रस्में होती है, बहुत सारी हमारी जो मिस हो गई है। और ये मैंने पहले वाले ब्लॉग में आपको बता दिया, तो इस वाले ब्लॉग में मैं नहीं बताऊँगी आपको अब। और यहाँ पर आप देख रहे हो अभी इनके साथ फेरे भी होंगे। अभी कन्यादान की विधि चल रही है जो मैं आपको शुरू में एज इट इज़ सुना दी, जैसे हमारे पंडित वगैरह मंत्र बोलते हैं वो सब मैंने आपको सुना दिया है। और यहाँ पर हम सभी बाहर बैठे हुए हैं। वैसे जो यहाँ पर मंदिर में ना जितने लोग हम आए थे वो सिर्फ अपने परिवार के ही थे, अपने परिवार के थे और दुल्हन के परिवार के थे थोड़े से, जैसे दुल्हन के भाई वगैरह और उसके मम्मी पापा वगैरह ही आए थे, थोड़े से रिश्तेदार उनके आए थे और थोड़े से हमारे हैं। और यहाँ पर मैं आपको मौसम के नज़ारे भी दिखा रही हूँ। सबसे अच्छी बात ये रही कि आज का दिन बारिश नहीं हुई। और यहाँ पर देखिए मस्ती हो रही है खूब, बच्चे तो वैसे हमारे जैसे बैंड वाले भी होते थे पर बट बैंड वाले भी नहीं हैं शादी में। तो इससे पहले जो पार्ट वन मैंने आपके साथ शेयर किया था ना शादी का, तो उसमें आपने कमेंट किया था कि दूल्हे के सिर पे सेहरा क्यों नहीं है। पता नहीं, वैसे होता है हमारे, पता नहीं शादी मंदिर में है इस वजह से नहीं है, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि सेहरा हमारे यहाँ पर मामा की तरफ से आता है। तो अभी देखिए यहाँ पर सात फेरों की रस्म स्टार्ट हो गई है और ये अभी तो ये मंदिर में हो रही है। वैसे जब घर में होती है तो बेदी लगी होती है, उसमें चार कॉर्नर बने होते हैं, जैसे मैं कभी दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में जब शादी होगी हमारे। और वहाँ पर चार भाई खड़े हुए होते हैं और चारों भाई जैसे बहन को क्रॉस करवाते हैं वो चारों कॉर्नर से, तो इस तरह से होता है। और यहाँ पर भी वैसा ही है, चार भाई इनके खड़े हुए हैं, वही एक दूसरे को क्रॉस करा रहे हैं जैसे फेरे होते हैं। तो देखिए कन्यादान और सात फेरे पूरे हो चुके हैं, अब शादी ऑलमोस्ट फिनिश होने वाली है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसके बाद की रस्में। दिक्कत आती है
तो लगन का पूरा काम देखिए सात फेरे खत्म होने के बाद अब दूल्हा दुल्हन सबके पैर छूते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। हमारे यहाँ पर इस तरह से होता है। वैसे जो जब बेदी वाली होती है ना, जैसे घर से शादी होती है, उस टाइम शायद ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मुझे याद नहीं है मैंने नहीं छुए थे। बस हाँ, जब दूल्हे के घर में रिसेप्शन होता है नेक्स्ट डे, तब जरूर छूते हैं सबके पाँव। तो वो अलग से रस्में, सारी रस्में आज यहीं पर होने वाली है, तो वो दिखाऊंगी मैं आपको। यहाँ पर देखिए सबके पैर, हम भी बड़े जैसे छोटे वाला देवर, सबसे छोटे वाला देवर है, तो सबके पैर छू रहे हैं यहाँ पर, बाहर जितने भी बड़े हैं उन सबके पाँव छू रहे हैं। सदा खुश रहो ना, बस बस खुश रहो, खुश रहो। तो अभी देखिए पैर छूने का काम खत्म होने वाला है, और ये जो अभी जिनके पैर छू रहे हैं वो इनकी माँ है, मतलब दुल्हन की माँ, और उनकी तरफ से जो आए हैं। और यहाँ पर अभी फैमिली फोटोग्राफ लिया जा रहा है, क्योंकि जैसे बोल रहे थे हमारे पूरी फैमिली, जितनी भी हमारे जो हैं, मम्मी जी की देवरानी, जेठानियाँ, मेरी चाची सास वगैरह, वो 5 हैं। तो यहाँ पर सबके फोटो खींचे जा रहे हैं, पहले तो इनके ले रहे थे, और अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इसे हम मिलनी बोलते हैं, ये कुड़मणी बोलते हैं हम, जैसे दुल्हन की माँ और दूल्हे की माँ आपस में जो रिश्ता होता है वो कुड़मणी बोलते हैं। जो पेरेंट्स कुड़म कुड़मी कुड़मणी बोलते हैं हम, आप क्या बोलते होंगे प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसका थोड़ा सा अलग तरीका होता है, देखिए सेम जैसे मैंने पीछे वाली मिलनी आपके साथ शेयर की थी, तो अभी वैसे ही गले में हार डालते हैं, सिंदूर लगाएंगे, माथे पे सिंदूर लगाएंगे। अभी देखिए मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ, और ये ताई सास के साथ हो रही है, हमारे सबसे पहले बड़े के साथ होगी, फिर छोटे के साथ, फिर छोटे के साथ, जितनी भी जेठानी देवरानी होंगी उनके साथ होती है माँ की। तो अब सूट दिए जाते हैं, एक दूसरे को सूट दिया जाता है, हालांकि जो दुल्हन की माँ होती है वो नहीं लेती हैं, और दूल्हे के परिवार से ले लेते हैं, हमारे यहाँ पर कुछ इस तरह का रिवाज होता है। और देखिए इस तरह से हो रहा है, और फिर लड्डू वगैरह भी, मिठाई वगैरह भी खिलाते हैं, फूल डालते हैं। आप बोल रहे थे कि फूल नहीं, फूल ऊपर से डालते हैं, वैसे हमारे यहाँ पर फूलों की माला नहीं डालते हैं, नकली हार ही सही काम चलता है। अभी मम्मी जी के साथ हो रही है, देखिए तो मैं पूरा दिखा रही हूँ आपको, सबके साथ मैंने आपको पूरी मिलनी दिखाई है, ये कुड़मणी की मिलनी यहाँ पर हो रही है। सबसे पहले माथे पे टीका लगाया जाता है, देखिए सिंदूर का, पाँव छुए जाते हैं, एक दूसरे के पाँव छूते हैं दोनों, मिठाई यहाँ पर खिलाई जा रही है, गले में हार डाला जा रहा है, देखिए, और सूट भी हाथ में पकड़ा हुआ है, दोनों एक तरफ से सूट देते हैं। तो ये वाला जो वैसे काम है ना, वैसे जो दूल्हे का रिसेप्शन होता है, मतलब दूल्हे की तरफ से जब धाम होती है, उस दिन ये वाला होता है हमारे यहाँ पर, जैसे दुल्हन के परिवार से आएंगे तो उस दिन होता है। तो यहाँ पर एक दिन की शादी है, तो सब कुछ उसी में ही हो रहा है। और ये सबसे छोटे वाले चाची सास, जिनके बेटे की शादी हो रही है, क्योंकि चाची जी, चाचा ससुर नहीं है, तो उनके हाथ पे फिर वो लगा रहे हैं सिंदूर, माथे पे तिलक नहीं लगाते हैं फिर हमारे यहाँ पर। और वैसे ही देखिए सेम प्रोसीजर से ये खिला रहे हैं मिठाई वगैरह, और सूट एक दूसरे को दिए जा रहे हैं, फिर गले मिलते हैं। और अभी इसके बाद देखिए जयमाला हो रही है, तो जयमाला के लिए भी आपको पता होगा कि वैसे तो स्पेशल मंडप सजा होता है जयमाला के लिए, स्टेज बना होता है स्पेशल, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, और जैसा बता दिया बार बार मैं नहीं बोलूँगी। अभी यहाँ पर एक दूसरे को, पहले तो बाहर इनकी जयमाला हो गई, थोड़ा सा मैंने, मेरे से वो कट हो गया वो वाला हिस्सा जयमाला वाला, अभी हार पहनाया, तो एक दूसरे को पहनाएंगे, और अंदर इनका फिर फोटो हो रहा है, यहाँ पर देखिए इनका फोटो शूट हो रहे हैं। तो अभी टाइम है हमारी पूरी फैमिली से मिलने का, और पूरी फैमिली का फोटो यहाँ पर हो रहा है, जितने भी हम फैमिली में, हालांकि कुछ नहीं आए हैं, कुछ घर में रुके हुए हैं, तो फिर भी हमारी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरी फैमिली है। और यहाँ पर पूरी फैमिली का फोटोग्राफ होने के बाद कुछ और रिश्तेदार भी वगैरह भी हैं, वो भी फोटो खिंचवा रहे हैं। हालांकि जैसे मैंने आपको पहला बताया कि
कुछ ही हम सिर्फ रिलेटिव जो सगे वाले संबंधी है वही टेंपल में आए हैं, बाकी तो घर में आपको नेक्स्ट व्लॉग में भी मिलेगा सब कुछ, धाम वगैरह हमारा वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर मेरी चाची आशीर्वाद दे रहे हैं दोनों को, वर और वधू को। तो अभी बस यहाँ से देखिए हम जा रहे हैं वापस धाम खाने घर पे। तो घर पे भी अभी और रस्में रह गई हैं, वो मैं घर में आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। और यहाँ पर मैं आपको जाति बार ये भी दिखा रही हूँ, सिनरीज वगैरह। तो चलिए अभी मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी हम जा रहे हैं, थोड़ा सा काम हमें है बीच में, जैसे कपड़े चेंज वगैरह करने हैं, तो उसके बाद मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, शादी कैसी लगी। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।